हमीरपुर शहर में 36 करोड़ की लागत से विद्युत व्यवस्था का कायाकल्प होगा। बिजली बोर्ड हमीरपुर ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से इस कार्य को किया जाएगा। बिजली बोर्ड की इस योजना से हमीरपुर शहर में 24 घंटे विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित होगी और बिजली कट की समस्या से भी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत DPR तैयार कर ली गई है। हमीरपुर शहर के बीचों बीच डाक क्वाली में 33 KV सबस्टेशन निर्मित किया जाएगा। बिजली बोर्ड की माने तो आगामी 30 वर्षों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोजेक्ट की DPR तैयार की गई है। इसके अलावा हमीरपुर जिला के नौदौन विधानसभा क्षेत्र में 2 नए उद्योग स्थापित होंगे, जिनके लिए 33 केवी का सबस्टेशन पंचवटी के समीप निर्मित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र के इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। एक हमीरपुर टाउन के लिए ही एक वर्ल्ड बैंक स्कीम जो है 24x7 वो अप्रूव हुई है अराउंड 36 करोड़ की। उस स्पेशली हमीरपुर टाउन का वहाँ काम होगा। उसमें एक डाउन क्वाली में भी हमारा एक 33 KV का सबस्टेशन लगेगा। उससे हमारे हमीरपुर शहर की सप्लाई जो बहुत सुचारू रूप से चलेगी। एक हमारा सबस्टेशन बन रहा है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कुछ पैसा जमा करवाया हुआ है, कुछ पैसा और वो देंगे। तो 7 करोड़ का वो काम है, वो स्पेशली फॉर डाटा सेंटर एंड अमूल की जो फैक्ट्री आ रही है रेट में, उसका काम चला हुआ। जो वर्ल्ड बैंक का और 24x7 है वो ये हमें कि उसको चुस्त दुरुस्त एंड प्रॉपर ले करना है।